मसाना रांगडान गांव में व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। परिजनों का कहना, साथ में काम करने वाले दोस्तों ने ही की हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर की जांच शुरू। यमुनानगर के मसाना रांगडान गांव के 24 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक सूरज भान मजदूरी का काम करता था और गांव के ही अन्य चार लोगों के साथ मजदूरी करने जाता था, लेकिन परिजनों के अनुसार देर शाम सूरज भान के अन्य साथी उसे उसके घर के बाहर गिराकर छोड़ गए। जब परिजन अस्पताल लेकर गए तो उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि उसी के चार दोस्त जिनके साथ वह मजदूरी करने जाता था, उन्हीं ने हत्या की है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सिविल अस्पताल में पहुंची और पुलिस का कहना है कि परिजन जो भी बयान देंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शव को शव गृह में रखवाया गया है और शव पर कोई चोट का निशान नहीं है। पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और जो भी सच्चाई सामने आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, ये सवेरे 7:30-8 बजे काम पे निकलते हैं। ठीक है, ये चार लड़के और इसके साथ में पांचों हमारा बांध जाता है जी। तो ये पांच लड़के काम पे जाते हैं मिस्त्री के पास, राजमिस्त्री पे दिहाड़ी करते हैं। उसके बाद ये जैसे काम करके उधर से आ रहे थे, तो इनकी कोई आपस में अंदरूनी हुई आपस में कुछ न कुछ, वो इनको ही पता भी क्या हुई। तो ये कह रहे भाई ये चेरी के खेत में गिर गया जनाब। जब हम चेरी के खेत में गिर गए, ये यहाँ पे जैसे हम नीचे पड़ेंगे तो हमारे कपड़े मिट्टी में बनेंगे। उसके हमारे लड़के का कोई मिट्टी का निशान नहीं, कोई दुबड़े का नहीं, कोई चेरी का कोई निशान नहीं है। जैसे कि इनका कहना भी चेरी में पड़े थे सर। ये लगता है भाई इनकी सियासत है सर, इनकी सियासत में ये काम हुआ है सर। इनकी साजिश है जी, बिल्कुल छोड़ गए। हम तो ये कह रहे जी जो दोषी पाए गए उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। हमारे पास अभी 9:30 बजे सूचना आई थी चौकी में यहाँ हॉस्पिटल से, सूरजवान सोनोप यादराम चांदराम गोम सना रामडान की डेथ होगी। तो हम मौके पर पहुंचे यहाँ पे, यहाँ पे आके पता चला भी ये ऐसे ऐसे पांच आदमी दिहाड़ी पे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, इकट्ठे मोटरसाइकिल पर थे। अभी आगे बयान कोई लगवाया नहीं, जैसे बयान लगवाएंगे तब तफ्तीश जारी है कार्रवाई का। हमारे को कुछ नहीं, अभी तक कोई बयान नहीं लिखवाया। बयान लिखेंगे हम कार्रवाई कर देंगे। जैसे जो भी के ऊपर कोई चोट का निशान नहीं किसी प्रकार का भी, सबको परिजनों ने भी अच्छी प्रकार से देख लिया और हमने भी अच्छी प्रकार से देख लिया। बाकी पोस्टमास्टर के बाद जैसा होगा कार्रवाई हो जाएगी।